एक देश एक टैक्स का नाम देकर मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया था। इससे पहले इसे लागू करने और ना करने को लेकर पिछले कई वर्षों से जीएसटी विवादों में रहा है, लेकिन भारत में इस टैक्स को लागू करने से 2 साल पहले मलेशिया में जीएसटी लागू किया गया था। बुधवार को मलेशिया में हुए आम चुनाव में उस प्रधानमंत्री की हार हुई है जिन्होंने मलेशिया में जीएसटी लागू किया था। हैरानी की बात तो यह है कि इससे पहले कनाडा में भी जीएसटी लागू करने वाली सरकार को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। वैसे आपके मन में ख्याल जरूर आया होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या ऐसी राजनीतिक घटनाएं हिंदुस्तान में भी देखने को मिलेगी। दरअसल चुनाव में किसी पार्टी की हार या जीत उनकी सरकार की नीतियों को लेकर होती है, लेकिन ये भी सच है कि जीएसटी लागू होने से देश भर के व्यापारियों और कारोबारियों में जबरदस्त गुस्सा तो है, पर गुस्सा इतना है कि सड़कों पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटते हैं। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू करते समय देश को एक देश एक टैक्स का नाम तो दिया था, लेकिन टैक्स का स्लैब एक नहीं बल्कि 5 है। ऐसे में जनता को राहत देने के नाम पर जीएसटी अब सिरदर्द बन गया है। महंगाई चरम पर है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। वैसे भी यह चुनावी साल और चुनाव के दौरान अगर महंगाई मुद्दा बनता है तो फिर मोदी के लिए मुश्किल तो होगा, जैसा मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान देखने को मिली थी। मलेशिया के चुनाव में जीएसटी कितना बड़ा मुद्दा बन गया, इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां के पीएम नजीब रज़ाक ने जीएसटी लागू करने के फैसले को सबसे कठिन फैसला बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि जीएसटी लागू होने के बाद देश में महंगाई बढ़ेगी, कई सामान के दाम बढ़ जाएंगे। इसी बात को 92 साल के महातीर ने मुद्दा बनाया और उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी की चुनाव में जीत होती है तो फिर जीएसटी को खत्म कर देंगे। माना जा रहा है कि मलेशिया की जनता ने जीएसटी हटाने के लिए महातीर को सत्ता की चाबी सौंपी है। कुछ ऐसा ही हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहे हैं। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के दाम 7वें आसमान पर है, लिहाजा देश की जनता में महंगाई सहित कई मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में गुस्सा तो है। इसके अलावा राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो जीएसटी को दुरुस्त करने के लिए कड़े फैसले ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।